नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। मैं आज प्राइस सेक्शन का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ खेल से रिलेटेड जितने भी नेशनल प्राइज है उसके बारे में डिस्कस करूँगा और याद कर उसके बैकग्राउंड बताऊँगा ताकि आपको याद करने में कोई तकलीफ ना हो। चलिए शुरू करता हूँ। स्पोर्ट्स प्राइज, देखिए स्पोर्ट्स प्राइज में इंडिया में हाइएस्ट प्राइज कौन है? राजीव गांधी देखिए राजीव गांधी के साथ खेल रत्न भी जुड़ा हुआ है। पूरा नाम इसका खेल रत्न। ये प्राइज जो है तो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स प्राइज है। ये कब इसका शुरुआत हुआ? बस 1991। देखिए 1991 में क्या इंडिया में एक बहुत बड़ी घटना और वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था। गांधी का कहाँ? मद्रास में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन है, मद्रास में। और 1991 में एक दुनिया में क्या घटना हुई थी? USSR का डिसइंटीग्रेशन। ये 15 भागों में टूट गया था USSR। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। राजीव गांधी का जिस साल ध्यान हुआ उसी साल से राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज दिया जा रहा है 1991 में। चलिए, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है विश्वनाथन आनंद, चेस प्लेयर, वर्ल्ड चैंपियन था। नाथन आनंद, आपको पता होगा रसिया चेस में यूनिपोली थी, मोनोपोली थी उसकी। उसकी मोनोपोली को अगर किसी खिलाड़ी ने तोड़ा तो इंडियन खिलाड़ी ने तोड़ा है। चेस में इंडियन का पूरे दुनिया में दबदबा, यही रसिया के दबदबा को तोड़ा है किसने? ये विश्वनाथन आनंद ने तोड़ना शुरू किया। इसी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अभी जो 2019 में मिला है वो मिला है दीपा मल्लिक। दीपा मल्लिक एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स। ये देखिए ये प्लेयर विकलांग प्लेयर की श्रेणी जो है ना उसमें आता है। ये पैरा एथलेटिक में ये खेल में इसके योगदान के लिए इसे मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरा एथलेटिक प्लेयर को पहली बार खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो दीपा मल्लिक। दूसरे खेल रत्न मिला है बजरंग पुनिया जो रेसलर है हरियाणा का। बजरंग पुनिया, ठीक है। इसमें अवार्ड कितने दिए जाते हैं? 7.5 लाख। सबसे ज़्यादा पुरस्कार खेल में अगर कोई प्राइज दिया जाता है डिनोमिनेशन में वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जिस खिलाड़ी को मिलता है उसे 3AC, 2AC और 1AC किसी भी ट्रेन में किराया नहीं लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया पूरा राजीव गांधी खेल रत्न, ये क्लियर हो गया। राजीव गांधी खेल रत्न हाईएस्ट पुरस्कार याद करने के लिए आपको कैसे याद आएगा? जिसके साथ खेल रत्न जुड़ा हुआ है। भारत रत्न जुड़ा हुआ है तो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड खेल रत्न जुड़ा हुआ है, बस इसी से आपको याद आ जाएगा कि खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया। चलिए अब दूसरे अवार्ड्स के बारे में बात करता हूँ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अब दूसरा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन का क्वेश्चन पूछेगा अर्जुन पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो इतनी अभी याद कर सकते हो। अर्जुन क्या था? एक खिलाड़ी था, आर्चरी का खिलाड़ी था, धनुर्धारी था। उसी के लिए में 1961 में इंडिया का पहला जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो अर्जुन अवार्ड है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला स्पोर्ट्स अवार्ड क्या है? अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू किया। इसमें डिनोमिनेशन कितना मिलता है? प्राइज मनी 5 लाख। ऑब्वियसली खेल रत्न जब सबसे बड़ा है उससे कम होगा ही कुछ, जैसे 5 लाख मिलता है।
इसमें अवार्ड के रूप में क्या मिलता है, तीन चीज़ें मिलती है, एक अर्जुन एक कांसे की बनी हुई अर्जुन के स्टैचू मिलता है, स्टैचू, दूसरा अर्जुना स्टैचू मिलता है, दूसरा एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, पत्र मिलता है, और 5,00,000 रुपया का डिनोमिनेशन का प्राइज मिलता है, चौथा अटायर मिलता है, ट्रेडिशनल पोशाक मिलता है, ट्रेडिशनल अटायर। ठीक है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन आता है कि अर्जुन पुरस्कार किसको मिलेगा, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, पिछले 3 सालों तक बेहतरीन प्रदर्शनी के लिए दिया जाता है, एक क्वेश्चन आया है इसकी योग्यता क्या है पिछले 3 साल तक, ये नहीं कि पिछले 1 साल में अच्छा प्रदर्शन है तो अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा, पिछले 3 सालों तक, 3 सालों तक बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा, अच्छा मतलब, ठीक है, और अर्जुन अवार्ड में क्या है, बस इतना ही है, इम्पोर्टेंट यही है बस कि 2019 में 20 प्लेयर को मिला है, उनका नाम आप याद कर लीजिएगा, उसके लिए मैं अलग करंट अफेयर्स का टॉपिक बनाऊंगा। चलिए अर्जुन अवार्ड के बाद हम चलते हैं, अर्जुन का गुरु कौन था, अर्जुन का गुरु था द्रोणाचार्य, अर्जुन का गुरु था द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अभी पहले अर्जुन अवार्ड, अर्जुन का गुरु था द्रोणाचार्य, इसी से पता चल जाता है किसको मिलता है, कोच को, किसी भी प्लेयर गेम के कोच को मिलता है ये अवार्ड। ये कब शुरू किया गया, 1985। इसमें कितना पैसा मिल रहा, इसमें गुरु और चेला में कोई भेद नहीं किया गया, चेला मतलब अर्जुन पुरस्कार में 5,00,000 तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 5,00,000 रुपया। और एक चीज इम्पोर्टेंट है, 1 साल में मैक्सिमम 5 प्लेयर को ही ये अवार्ड दे सकते हैं, मैक्सिमम 5 प्लेयर को ही ये अवार्ड दे सकते, इससे यही क्वेश्चन आएगा। इसमें भी क्या दिया जाता है, वही ट्रेडिशनल अटायर दिया जाता है, ट्रेडिशनल पोशाक, दूसरा 5,00,000 का प्राइस, एक गुरु द्रोणाचार्य का कांसे की मूर्ति। चलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार में बस इतना ही पूछेगा। अब नेक्स्ट स्पोर्ट्स पुरस्कार है ध्यानचंद। आपको पता होगा कि ये बहुत बड़े स्टार प्लेयर थे हॉकी के, ध्यानचंद प्राइज, ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में किस दिया जाता है, किस लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट कैसे कहते हैं, अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है, खेलते खेलते या तुरंत संन्यास लिया, उस प्लेयर को कभी नहीं दिया जाता। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब स्पोर्ट्स के मतलब ड्यूरिंग खेलने के समय में भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, रिटायरमेंट के बाद भी उसी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में आगे बढ़ाने में अपना सारा जीवन लगा दिया हो, उसको ये ध्यानचंद प्राइज दिया जाता है। ये ध्यानचंद प्राइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की तरह ही, इसमें भी किसी भी ट्रेन में 1AC 2AC 3AC तीनों में इसके लिए फ्री होती है किसी भी ट्रेन में। दूसरा ये 19 ये कब शुरू हुआ, 2002 में शुरू किया गया, हाल फिलहाल शुरू किया गया है ध्यानचंद पुरस्कार। इसमें प्राइज की राशि है, इसमें भी 5,00,000, देखिए 5,00,000 तीनों में, ध्यानचंद में, अर्जुन पुरस्कार में, और ध्यानचंद अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार में, बस वो हाईएस्ट प्राइज था राजीव गांधी खेल रत्न, इसलिए उसमें 7,50,000। चलिए अगला पुरस्कार खेल के क्षेत्र में है माता प्राइज, मौलाना
अबुल कलाम ट्रॉफी, इसको माका भी कहते हैं, माका माका ट्रॉफी। ये हर ईयर हो, एवरी ईयर दिया जाता है माका। ये देख मुझे किस तरह का रोलिंग प्राइज, ये है रोलिंग प्राइज, रोलिंग मतलब रोल करते रहता है। और किस लेवल का है, यूनिवर्सिटी लेवल का। यूनिवर्सिटी लेवल में जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसका प्राइज है ये। और रोलिंग का मतलब जो जीतेगा वही ट्रॉफी रखेगा एक साल के लिए। एक ही ट्रॉफी है तो रोलिंग करते करते इस यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी हर एक विनर यूनिवर्सिटी में ये चलता रहता है। ये है रोलिंग ट्रॉफी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रोलिंग ट्रॉफी है। और ये यूनिवर्सिटी लेवल पे है। विनर यूनिवर्सिटी को 10 लाख की प्राइज दी जाती है। और दूसरी बात है, इसमें अभी कौन जीता है, 2019 में जो विनर है कौन सा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, चंडीगढ़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही रखा, जो माका ट्रॉफी है, माका ट्रॉफी एक रोलिंग ट्रॉफी है और यूनिवर्सिटी लेवल की ट्रॉफी। चलिए, जो 5 मैंने आपको बताया यही रिनाउंड प्राइज है स्पोर्ट्स के फील्ड में। अब मैं आपको सारे ट्रॉफी का चेहरा दिखा देता हूँ, सारे अवार्ड्स का मैं पिक्टोरियल व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड है, इसमें गुरु कोच को दिया जाता है, द्रोणाचार्य और अर्जुन का तस्वीर है लगा हुआ, एक कांसे की मूर्ति है। इसके बाद ये राजीव गांधी खेल रत्न है, हाईएस्ट अवार्ड। ये देखिए अर्जुन अवार्ड, अर्जुन तीर चलाता हुआ। और ये माका ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम जो रोलिंग ट्रॉफी है वो है। चलिए मैं आगे बताता हूँ ओलंपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ओलंपिक में विनर होते हैं, ओलंपिक खेलों में जो होते हैं, जो गोल्ड मेडल लेते हैं उसको 75 लाख का प्राइज मिलता है। सिल्वर मेडल मेडल वाले को 50 लाख का नगद पुरस्कार मिलता है। और ब्रॉन्ज को, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 30 लाख रुपया, ये इमीडिएट प्राइज मिलता है उसे। अलग अलग मेडल के ऊपर डिपेंड है ये ओलंपिक में। और आप देखिए एशियन गेम या कॉमनवेल्थ में विनर को कितने मिलते हैं। देखिए, गोल्ड वाले को मिलते हैं 30 लाख, सिल्वर वाले को 20 लाख और ब्रॉन्ज वाले को 10 लाख ये प्राइज मिलते हैं। और आजकल ये हो गया पहले पैरा ओलंपिक, जैसे पैरा प्लेयर सब जितने होते हैं ना, पैरा एथलेटिक्स, उन लोगों को भी सेम प्राइज हो गया, ओलंपिक या पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। पहले क्या था, डिफरेंट था, लेकिन अभी पिछले साल से दोनों के लिए बराबर कर दिया है। पैरा ओलंपिक में भी कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसे 75 लाख मिलेगा, सिल्वर मेडल जीतेगा तो 50 लाख, ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा 30 लाख। सेम एशियन और कॉमनवेल्थ गेम में भी पैरा एथलीट जो होते हैं, पैरा एथलीट जो होते हैं वो अगर जीते तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पहले भेदभाव थे, अब ये भेदभाव खत्म हो गया। अब चलिए मैं बता देता हूँ ओलंपिक प्राइज में विनर्स के लिए, चाहे वो गोल्ड जीते, सिल्वर जीते या ब्रॉन्ज जीते, सबको एक पेंशन मिलती है। वो पेंशन की अमाउंट कितनी होती है, उस पेंशन की अमाउंट 20,000 रुपये होती है। 20,000 रुपये होते हैं अगर आपने ओलंपिक गेम में या तो ब्रॉन्ज जीता, गोल्ड जीता या सिल्वर जीता, कुछ भी जीतो, कोई एक मेडल लेने पे आपको 20,000 रुपये मासिक रूप से आपको पेंशन मिलेगी। और ये पेंशन की शुरुआत कब होगी, जब आप 30 ईयर पार कर लेते हैं। बस
स्पोर्ट्स सेक्शन में सारे प्राइज आपके रिनाउन प्राइज आपको क्लियर हो गए। अब ये आती है हर साल का फुटबॉलर बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट हॉकी प्लेयर ये सब आता है, वो तो हर साल आपको करंट अफेयर्स के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये जो ट्रेडिशनल जीके बनता है स्पोर्ट्स सेक्शन से वो आपकी कंप्लीट हो गई, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।